पुलिस 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 का वेपन लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच बचाव में पुलिस ने उसे इनकाउंटर में मार दिया। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, समर सिंह का हुआ इनकाउंटर। जी हाँ दोस्तों, समर सिंह का इनकाउंटर हो गया फानी, जो कि दोस्तों उनको फांसी देने के ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ कारों से उनका इनकाउंटर हुआ। तो दोस्तों पूरा वीडियो उसका हम आगे आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से समर सिंह का इनकाउंटर हुआ, क्यों किया गया और किस जगह पे हुई। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको आगे दिखाया जाएगा, तो दोस्तों वीडियो का साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी समर सिंह के रिलेटिव। तो दोस्तों चलिए करते वीडियो को स्टार्ट, देते हैं आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि समर सिंह का इनकाउंटर क्यों किया गया, जो कि उनको कोर्ट ने तो फांसी की सजा सुनाई दी थी कि 24 घंटे के अंदर समर सिंह को फांसी होना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों ने क्यों उनका इनकाउंटर किया। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो कि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि समर सिंह को फांसी 24 घंटे के अंदर होगी, तो दोस्तों समर सिंह को पुलिस वाले ने जो कि ले जाया जा रहा था उनको कोर्ट में जो कि फांसी देने के लिए, लेकिन दोस्तों रास्ते में ही समर सिंह ने पुलिस वाले के जो बगल में गन रखे रहे थे उनका गन छीन कर जो कि पुलिस वाले पर जो कि शूट करने जा रहा था। तो दोस्तों पुलिस वाले ने अपने बचाव के लिए जो कि तत्काल अपना बंदूक निकाल कर उनके ऊपर धड़ाधड़ दो तीन लोग थे जो कि उनके ऊपर पूरा गोली उतार दिया, तो दोस्तों उनका तुरंत वहीं पर मौत हो गई और डेथ हो गई। तो दोस्तों इस वजह से समर सिंह का इनकाउंटर किया गया और दोस्तों उसी में जितने पुलिस वाले उस समय उनके ऊपर गोली चलाए उनका सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों जितने भी यूपी के इस समय जनता है सब लोग पुलिस वालों को सपोर्ट कर रहे हैं कि आखिर उनका फांसी तो होना था, चाहे इस वजह से मरे चाहे फांसी से मरे, तो मरना तो उनको था ही। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी पुलिस वाले ने किया अच्छा किया, क्योंकि दोस्तों जितने भी यूपी में माफिया सबका इनकाउंटर होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले मतलब प्रयागराज में जो कि अतीक अहमद की इनकाउंटर हुआ और उसके बाद समर सिंह का, दोस्तों इस समय यूपी की सरकार भी सपोर्ट कर रही है कि जितने भी यूपी में माफिया है उनका इनकाउंटर तुरंत होना चाहिए, जो कि दोस्तों इस समय लड़की की कोई इज्जत नहीं कर रहा है। तो दोस्तों समर सिंह ने जो कि बहुत ही बेरहमी तरीके से कांचा दुबे का मर्डर कर दिया था और दोस्तों उसमें दो तीन लोग शामिल है, जो कि अभी तक तो समर सिंह का ही इनकाउंटर किया गया। अभी दोस्तों दो लोग बाकी है, जो कि एक का नाम है संजय सिंह, एक का नाम है संदीप सिंह, दोनों लोगों को जल्द से जल्द उनका भी इनकाउंटर किया जाएगा। तो दोस्तों जो पुलिस वालों ने किया वो अच्छा किया कि नहीं किया, आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। समर सिंह के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।